व्यापारियों ने फसल की बोली लगाने की मना किया तो किसानों ने किया हंगामा। मंडी सचिव की समझाइश के बाद शुरू हुई डंक। कृषि उपज मंडी में इन दिनों लगातार व्यापारियों की मनमानी का मामला सामने आ रहा है, जहां आए दिन किसान हंगामे कर रहे हैं। ऐसे में आज गुरुवार को पोहरी कृषि उपज मंडी समिति में व्यापारियों ने सरसों की फसल की डंक लगाने की मना करने पर किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। जहां किसान लगातार फसल डंक लगाने की बात कर रहे थे, जहां आनंद फानन में मंडी सचिव सुरेश कुमार लक्ष्यकार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर हंगामा शांत कराया, जिसके बाद पुनः डंक शुरू हुई। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। समझौता कराया, नीलामी बुलवाई उसकी और मंडी चालू हो गई। क्या परेशानी आ रही थी सर? मंडी आती है थोड़ी बहुत, करा हुआ माल दुपट पर बैठा था, दोबारा चालू तो हो रही है। नहीं मंडी में बिल्कुल नहीं बंद कर रही, एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, नाटक कर रखा है ये। हम रोज यहां से कर ले, बारिश आ रही है, बंद कर ले जाएंगे, बंद कर दे। अरे तो चल ले गया है सरसों। क्या बात हो गई यार? अभी आग बिल्कुल एक रुपए ही नहीं लगा रहा, वो तो मट्टी माल है। काय के चक्कर में नहीं लगा रहा है पता नहीं, कुछ तो मिट्टी है। और इस संबंध में क्या आपने कर्मचारियों बात करने की कोशिश की? सिगरेटी मिले या कोई नहीं मिला? क्या कारण रहा है डांक? एक पिकअप की डांक रोकते हुए और व्यापारी तुरंत भाग गया है। व्यापारी सही भाग गया है। सचिव से मिलने की कोशिश की? सचिव साहब यही नहीं है, और बाद में लोगों से बोल रहे तो वो कह रहे आप जाने था चले जाओ, जो हो सो कर लो।